दोस्तों, ये बात तो सच है कि कुत्ते दुनिया के सबसे वफादार जानवर हैं, जिन्हें हम इंसान आसानी से अपना दोस्त बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हर कुत्ते को अपना दोस्त बना सकते हो या उसके करीब जा सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी खतरनाक नस्लें भी पाई जाती हैं, जिनके बारे में आप जानकर कुत्ते तो क्या कुत्ते शब्द से भी डरने लगोगे। तो मिलवाते हैं आपको कुत्तों की कुछ ऐसी ही 10 सबसे खतरनाक नस्लों से। ग्रेट डेन नस्ल के कुत्तों को किलिंग मशीन भी कहा जाता है। ऊंचे सर वाले ग्रेट डेन 10 से 12 फीट की ऊंची छलांग लगाकर भी अपने शिकार को दबोच सकते हैं, और ट्रेनिंग के बिना ये कुत्ते बेहद जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें पालने का लाइसेंस किसी किसी को ही मिलता है। 54 से 90 किलो के ग्रेट डेन हंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और ये काले और भूरे रंग के ही होते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के साथ ये सुरक्षा में बेहद कारगर साबित होते हैं। रॉटवाइलर, दुबला पतला जर्मन नस्ल का रॉटवाइलर इतना ताकतवर होता है कि इसका इस्तेमाल पहले बैलगाड़ियों के बैल की तरह मांस और दूसरे जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए होता था। और ये जब किसी को काटते हैं तो 328 PSI बाइट फोर्स के साथ शेर जैसा घाव बना देते हैं, जिससे इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। 35 से 50 किलो के वजन वाले रॉटवाइलर को रोटी के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस सेना के कामों को छोड़कर जर्मनी USA में दर्जनों मौतों के जिम्मेदार रॉटवाइलर को कई देशों में बैन किया गया है। बॉक्सर शिकारी कुत्तों की पुरानी प्रजाति से विकसित हुए हैं। जर्मनी से मास्टिफ से डॉग ब्रीड के जरिए ये छोटे बालों वाला बॉक्सर सामने आया। इसका मजबूत जबड़ा गहरा घाव कर देता है और अपने से दोगुना तिगुना वजनीय शिकार को भी नहीं छोड़ता। बॉक्सर बेहद जिद्दी और आक्रामक माना जाता है, और इसे जर्मन बॉक्सर या ड्यूसेप बॉक्सर भी कहते हैं। वुल्फ हाइब्रिड डॉग का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये भेड़िये और कुत्तों की क्रॉस ब्रीडिंग से इसकी नई खूंखार नस्ल तैयार हुई। ऐसी ही नस्ल वुल्फ हाइब्रिड भी है। अमेरिका यूरोप में ऐसे कुत्तों को पालने पर बैन है, और ये अपने शिकार को मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों से पकड़ने के साथ ऐसी पलटी मारते हैं कि मांस का पूरा टुकड़ा एक ही बार में आ जाता है, और इसका वजन 36 से 56 किलो के बीच होता है। मालाम्यूट प्रजाति का कुत्ता जर्नली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। भेड़िये जैसी शक्ल वाला मालाम्यूट 34 से 49 किलोग्राम वजनीय होता है, और बेहद समझदार होने के साथ साथ ये जोशीला और खूंखार होता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार 2 दशकों में इस कुत्ते के काटने से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, कई तो जिंदा लाश बनकर रह गए। और इस कुत्ते को ग्रीनलैंड डॉग, कनाडियन एस्किमो डॉग भी कहते हैं। हस्की, कनाडा, साइबेरिया और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में मिलने वाले हस्की प्रजाति के कुत्ते का इस्तेमाल गाड़ी को खींचने, ट्रैकिंग और सुरक्षा कामों में होता है। इसीलिए इसको स्लेट डॉग भी कहते हैं, जो कि बिना पहिए की गाड़ी को बर्फीले मैदान में खींचकर ले जाता है। और इनका वेट 20 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। अमेरिका कनाडा में यह पिछले एक दशक से 20 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार पाए गए हैं, और अलास्का, लेब्राडोर, साइबेरियन नाम की इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। बुल मस्टिफ, ब्रिटिश ब्रीड का बुल मस्टिफ बेहद आक्रामक कुत्ता होता है। लंबे पैर वाले इस कुत्ते का वेट 55 से 60 किलो के बीच होता है। ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों में यह 10 से ज्यादा लोगों की जान पिछले कुछ सालों में ले चुका है। इसकी लंबाई 60 से 70 सेमी के बीच होती है। द केनेल क्लब ने इसे बेहद खूंखार और जानलेवा माना है। गेम कीपर नाइट डॉग नाम से मशहूर बुल मस्टिफ साउथ अफ्रीका में सोने की खान का ये चौकीदार किसी भी चोर को जिंदा नहीं छोड़ता। डबरमैन, अमेरिका कनाडा में पाया जाने वाला डबरमैन प्रजाति का कुत्ता शेर जैसा खतरनाक माना जाता है। किसी अनजान शख्स को ये जिंदा नहीं छोड़ता, और भूरे और काले रंग के डबरमैन को भी घरों में पालने पर बैन है। और हर साल भारत में ऐसी एक दो घटनाएं सामने आती हैं जिसमें डबरमैन ने किसी की जान ले ली हो। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में गिना जाता है। सूंघने की गजब क्षमता के साथ ये दुश्मन को पाए तो कच्चा ही चबा जाए। 30 से 40 किलो वाले जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेनाएं सुरक्षा के कामों के लिए करती हैं। पिटबुल नस्ल का कुत्ता बेहद खूंखार और आक्रामक होता है। इसका वेट 15 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। एशिया यूरोप के कई देशों में इस कुत्ते को रखने पर बैन तक लगा दिया है। अमेरिका में पिटबुल पिछले
पिछले दो दशकों में 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और मालिक के प्रति बेहद वफादार पिटबुल का जबड़ा किसी भेड़िए से कम नहीं होता और उसमें इतनी एनर्जी होती है कि किसी इंसान को नोच ले तो उसे घसीटकर कहीं दूर भी ले जा सकता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्ते। तो इनमें से आपको कौन सा कुत्ता पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। और हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।